सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और इस बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारी वीडियोस आपको मिल सके सबसे पहले। लोकसभा चुनाव के नतीजे से पहले कांग्रेस के वरिष्ठ नेता गुलाम नबी आजाद ने बड़ा दावा किया है। बुधवार को उन्होंने कहा कि वे लोग बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से दिल्ली में सरकार बनाने के लिए मदद लेंगे। उनके अनुसार चुनावी परिणाम के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी कि एनडीए के कई सहयोगी बीजेपी का साथ छोड़ सकते हैं। अगर बीजेपी को नतीजों में कम सीटें मिली तब एनडीए में शामिल बिहार के सीएम नीतीश कुमार एनडीए का साथ छोड़कर यूपीए में शामिल हो जाएंगे। वरिष्ठ कांग्रेसी नेता गुलाम नबी आजाद ने एक कार्यक्रम के दौरान कहा कि एक विचारधारा है गैर एनडीए या गैर बीजेपी विचारधारा, क्योंकि एनडीए में भी कुछ घटक ऐसे हैं जिनके विचार बीजेपी से नहीं मिलते, पर वे सत्ता की वजह से या फिर अपनी मजबूरियों से भाजपा के साथ हैं। इनमें अकाली दल और शायद नीतीश कुमार भी हो सकते हैं। गुलाम नबी आजाद के मुताबिक मुख्य लड़ाई इस वक्त बीजेपी विचारधारा और गैर बीजेपी विचारधारा के बीच है। उन्होंने मीडिया से कहा कि नरेंद्र मोदी लगातार दूसरी बार प्रधानमंत्री नहीं बन पाएंगे क्योंकि केंद्र में गैर एनडीए और गैर बीजेपी सरकार बनेगी। आगे गुलाम नबी आजाद ने कहा कि हम आम चुनाव की वोटिंग के आखिरी चरण में हैं। मैं चुनाव के दौरान देश भर में किए हुए प्रचार अभियान के दौरान अपने अनुभव के आधार पर कह सकता हूं कि न तो बीजेपी की सरकार बनेगी और न ही एनडीए केंद्र में वापसी करेगी। बता दें कि नीतीश की पार्टी जनता दल यूनाइटेड सूबे में बीजेपी के सहयोग से सरकार चला रही है। ये दोनों आम चुनाव भी साथ मिलकर ही लड़ रहे हैं, जबकि मैदान में उनका सामना महागठबंधन से है।